भाई लेट हो रहा है, दो मिनट प्लीज। अपने होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब, यहां के लोकल एमएलए और सीनियर लीडर एक्स मिनिस्टर दानम नागेंद्र साहब, मुटा गोपाल साहब, अपने एमपी रंजीत रेड्डी साहब, अपने माइनॉरिटीज के शान है, अपने बोधन के एमएलए हमारे भाई शकील भाई, और तमाम चेयरमैन, आज ये प्रोग्राम इसलिए रखे हैं, माइनॉरिटीज से इतने लोग चेयरमैन बन चुके हैं, वो सबका आज गुलपुशी करना है, वो सबका आज इज्जत करने के लिए ये प्रोग्राम आज रख चुके हैं। और हमारे सीनियर लीडर फारूक हुसैन साहब जो एमएलसी थे, और तमाम चेयरमैन सलीम साहब, मुजीम साहब, मुसिल्ला साहब, इम्तियाज साहब, तारिक अंसारी साहब, और आज जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन अभी चार्ज लिए हैं, मेरे भाई तनवीर अहमद साहब, राजू सागर साहब, रविंदर सिंह साहब, हमारे मौलाना यूसुफ साहब वरंगल से यूसुफ साहब, तमाम बुजुर्गों भाइयों, और मेरे बहन भी है शाहिना अफरोज, 2001 से काम करती हैं मेरे बहन शाहिना अफरोज, और निरंजन वली साहब, जहांगीर साहब, तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स भाइयों बहनों जो जिले से आए, हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, हमारे फकीर बहन भाइयों, आप सबका सलाम। आज केसीआर साहब ने माइनॉरिटीज के लिए कितना इज्जत दिए आप सब जानते हैं। आज महमूद अली साहब को पिछले टर्म में वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम भी थे, अब ये साल होम मिनिस्टर है। आज के जमाने में इतने रियासत में कहीं माइनॉरिटीज को होम मिनिस्टर बना रहे, बोले तो सीएम साहब ने अपने लिए इतना इज्जत दिए हैं, अपने सबको मिलकर देख रहे हैं सीएम साहब, जो गंगा जमुना तहसीब बातों में नहीं कामों में सीएम साहब ने करके दिखा रहे। आज हिंदू लोगों के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम लाए, तो हमारे मुस्लिम बहनों का शादी के लिए आज शादी मुबारक स्कीम सीएम साहब ने खोले हैं। जैसा हिंदू के लिए, हिंदू गरीब लोगों के लिए काम करते, वैसे ही मुसलमानों में जो गरीब है उनके लिए भी सीएम साहब ने स्कीम खोले हैं। आज शादी मुबारक में आप जानना चाहते हैं, 2,55,000 शादियों के लिए अभी तक मदद कर चुके हैं, 2,55,000 शादी हुकूमत के तरफ से 1-1 लाख रुपया देके आज शादी करवा रहे हैं। अभी तक 2,200 करोड़ रुपया ये शादियों के ऊपर हुकूमत ने खर्च कर चुके हैं। और एक खुशखबरी भी आपको देना है, हमारे शकील साहब ने अभी अभी पूछ रहे थे कि हमारे माइनॉरिटीज के लिए भी बगैर बैंक कंसेंट, बगैर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया स्कीम होना बोल के अभी शकील साहब ने पूछ रहा था। मैं आपको ये खुशखबरी देना है, महमूद अली साहब ने 1 हफ्ते पहले ही सीएम साहब से मिलके ये ऐसा स्कीम, हमारा माइनॉरिटीज में भी बहुत गरीब लोग हैं, बैंक में गए तो कंसेंट नहीं मिल रहा, हमें 1 लाख सीधा सीधा देने के स्कीम होना बोल के महमूद साहब ने सीएम साहब से पूछे थे। जब वही था मैं भी, सीएम साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिए कि 2 दिन में मुझे फाइल होना चाहिए, हम माइनॉरिटीज के लिए भी 1 लाख रुपया बगैर बैंक कंसेंट सीधा सीधा हुकूमत से देने वाला है। वो एक दो दिन में जीवो निकलने वाला है, सीएम साहब ने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं। ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं, ये 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधा बगैर बैंक लोन, जो ऑलरेडी आप लोग एप्लीकेशन रख चुके हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपया स्कीम मिलने वाला है। भाई एक बात आप सब लोग सोचने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी कभी भी वो माइनॉरिटीज को एक वोट बैंक तरीके से बनके फायदा उठाए,
लेकिन अपने भलाई के लिए कुछ काम नहीं करें। कांग्रेस पार्टी बोलना एक है, करना एक है। बोलते हैं कि हम सेक्युलर पार्टी हैं, लेकिन अपने को क्या काम करे जरा आप लोग सोचना चाहिए। इतने साल से कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है, क्यों हमारे मुसलमान भाई अभी भी गरीब है इस देश में? क्या कांग्रेस पार्टी कहीं क्यों नहीं कर चुके हैं? आज एक बात मैं आपको अच्छा समझने के लिए बोलना चाहता हूं। पिछले 10 साल केसीआर साहब से पहले 10 साल ये राज्य में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में थे। पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटीज के लिए कितना रकम खर्च करा बोले तो 1200 करोड़ रुपया खर्च करे। 10 साल में सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थे 1200 करोड़ रुपया खर्च करे। लेकिन पिछले 9 साल में केसीआर साहब के टाइम में 9100 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। कहां 1200 करोड़ रुपया, कहां 9100 करोड़ रुपया। ये हर भाई बहन सोचने की जरूरत है। मेरा शकील भाई बोल रहे 50 साल के कांग्रेस हुकूमत में भी 9000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करे, लेकिन 9 साल में केसीआर साहब ने हमारे माइनॉरिटी को बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादी मुबारक के लिए, बहुत सारे स्कीमों के ऊपर ये 9100 रुपया आज सीएम साहब ने खर्च कर रहा है। ये साल की बोलना चाहिए, ये साल में भी हम बजट में इतने पैसे रखे 2200 करोड़, 2200 करोड़ रुपया रख चुके हैं बजट में। कांग्रेस ने 1200 करोड़ रुपया 10 साल में खर्च करे तो सिर्फ ए साल में 2200 करोड़ की बजट में हम रख चुके हैं। जो एक साल में केसीआर साहब दिए वो 10 साल में भी कांग्रेस पार्टी अपने माइनॉरिटीज के लिए नहीं दिए हैं। ये हर मुसलमान भाई बहन सोचने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे अच्छे स्कूल पूरे दुनिया में 28 रियासत है, 28 रियासत में जितने रेजिडेंशियल स्कूल है उससे ज्यादा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल आज तेलंगाना में है। एक या दो 203 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल सीएम साहब ने अपने बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए रखे हैं। कल के दिन अपने बच्चे डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, आईएएस ऑफिसर बनते, फॉरेन जाके बड़े बड़े नौकरी करते हैं। आज के जमाने में इंग्लिश पढ़ना जरूरत कंपलसरी हो गए। अच्छी नौकरी मिलना है तो इंग्लिश पढ़ना है। सीएम साहब ने ये सोच के उर्दू भी पढ़ा रहे, इंग्लिश भी पढ़ा रहे सीएम साहब ने, नमाज भी करा रहे, बच्चों का पढ़ाई भी कर रहे सीएम साहब ने। ऐसा कोई सोच सकते? आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाते हुए साथ साथ में उर्दू भी सिखा रहे सीएम साहब ने। आज अपने बच्चे बहुत सारे बड़े इंजीनियर्स बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं। आज 200 रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज सीएम साहब ने खोले हैं। कोई सोच भी सकते हैं? नींद में भी कोई सोचे भी नहीं होंगे कि 200 जूनियर कॉलेज अपने बच्ची और बच्चे पढ़ने के लिए सीएम साहब ने देंगे बोल के। एक भी नहीं था पिछले कांग्रेस पार्टी के 70 साल के उनके जमाने में अपने बच्चे पढ़ने के लिए एक भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं दिए। जो 70 साल में एक भी नहीं दिए, केसीआर साहब ने 200 रेजिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल दिए हैं। आप सोचो एक घर में एक डॉक्टर बने तो कितना रोशनी वो घर में आएगा। एक मिनट, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ओल्ड सिटी में एक बार सीएम साहब दौरा करे तो एक लड़की आई थी, उनका पिताजी बेकरी में काम करते थे। पिताजी का तनख्वाह है 5500 रुपए महीने में, पिताजी का तनख्वाह है 5500 रुपया। वो लड़की केसीआर साहब को मिलकर दरखास्त दी, साहब मैं पायलट बनना चाहता हूं। लड़की का नाम है सलवा फातिमा। सलवा फातिमा ने सीएम साहब को दरखास्त दी, साहब मैं पायलट बनना चाहता हूं, कितना पैसे जरूरत है? लड़की बोले कि 35 लाख रुपए का जरूरत है। सीएम साहब फॉरन वो लड़की को 35 लाख सैंक्शन करा के उनको पायलट ट्रेनिंग दिलाई।
वो आप जानना चाहे वो लड़की का आज क्या तनखा है, वो बड़े बड़े फ्लाइट चला रही, वो लड़की का तनखा है आज महीने में 5 लाख रुपया। उनका पिताजी का तनखा था 5,500, वो लड़की को आज पायलट बना के महीना में 5 लाख रुपया तनखा उठा रही। वो लड़की जो आज 3,50,000 बच्चे अपने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी ऐसे तनखे उठाने वाले हैं कल के दिन। कुछ दिए तो आज रहता कल जाता, लेकिन पढ़ाई मिले तो जिंदगी भर रहता है वो। एक बार पढ़ाई हो सके वो घर पीछे नहीं देखती, आगे ही जाते हैं। वो सीएम साहब ने एक काम कर रहा है, आज 3,50,000 बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के वो बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर बनाने का काम देख रहे हैं। एक जमाने में सरकारी दफ्तर में बहुत सारे मुसलमान रहते थे, आज है फिर वो ऐसा जमाना लाना है। इस वास्ते अपने बच्चे अच्छा पढ़ना है, इसके लिए सीएम साहब ने इतने स्कूल खुले हैं। अपन गरीब थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आप नहीं पढ़ा सकते। अगर से इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े तो नौकरी नहीं मिलता, बड़े बड़े ऑफिसर नहीं बन सकते। इस वास्ते सीएम साहब ने इतना खर्च करे, 2,140,000 करोड़ रुपया अपने बच्चों को बच्चियों को पढ़ाने के लिए सीएम साहब ने खर्च कर रहे हैं। ये आप कोई दरखास्त नहीं दिए, कोई दफ्तर में नहीं गए, कोई दरखास्त नहीं दिए हमारे बच्चे के पढ़ाई के लिए, सोचो बोल के सीएम साहब को कोई नहीं बोले। लेकिन सीएम साहब खुद चाहते हैं कि हमारा माइनॉरिटीज का पढ़ाई अच्छा हो। और एक बात भी बोलना चाहता हूं मैं, आप पूरा 28 राज्यों में परसों के दिल्ली के सरकार ने बोला माइनॉरिटी लड़कियां सबसे ज्यादा कोई राज्य में पढ़ रहा है तो वो तेलंगाना में पढ़ रहा है। 28 राज्य में माइनॉरिटी सबसे लड़कियां ज्यादा कहां पढ़ रहे बोले तो वो तेलंगाना में पढ़ रहा है। क्यों? सीएम साहब ने 100 स्कूल बच्चियों के लिए भी खुले हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ना, हमारे माइनॉरिटी बच्चे भी पढ़ना चाहिए बोल के 100 स्कूल बच्चियों के लिए सीएम साहब ने खुले हैं। सो ये आप सब जानना चाहिए। जैसा हमारा सलवा फातिमा आज पायलट बने, वैसा 100 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में हमारे लड़की जो पढ़ रहे हैं वो लोग भी बहुत सारे पायलट बनते, डॉक्टर बनते, ऑफिसर बनने वाले हैं। सो ये सब आप जानना चाहते हैं, जानना चाहिए। भाइयों, आज बहुत सारे स्कीम उर्दू के लिए भी सीएम साहब ने, जो पहले सीएम है, नीट में उर्दू में एग्जाम लगना है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उर्दू में एग्जाम लगाने के लिए जो पहले सीएम है अपना केसीआर साहब ने है। भाइयों, एक बात आप सोचिए, आज 28 रियासत है अपने देश में, ऐसा कोई रियासत है जो मुसलमान सुकून से जिए, सुकून से सोए? कहीं देखो गड़बड़ है, परेशान है इस देश में, लेकिन अपना तेलंगाना में हमारे मुसलमान ने सुकून से बोल तुम भैया, बहुत बोलना है, मैं कुछ भूल गया बोल के मेरा सलीम भाई मुझे याद कर रहा। इमाम मौजम लोगों को 5,000 तनखा पहली बार अपनी दे रहा है, और बच्चे बाहर पढ़ने के लिए 20 लाख रुपया दे रहा बोल के सलीम भाई ने याद करे। 20 लाख रुपये सलीम भाई कोई गवर्नमेंट देते, लेकिन 10 लोगों को 20 लोगों को लेके ज्यादा बोल लेते, लेकिन सीएम साहब ने 2,700 बच्चे को फॉरेन भिजा के 20-20 लाख रुपया देके पढ़ा रहे। 2,700 बच्चे बड़े अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में जाके अपने मुसलमान बच्चे पढ़ने के लिए सीएम साहब ने 435 करोड़ रुपए अभी तक दे चुके हैं। 435 करोड़ रुपए देके 2,700 बच्चों को अमेरिका में, लंदन में सीएम साहब ने पढ़ा रहे। कोई सोच सकते? कोई मुसलमानों में गरीब लोग जाके हमारे बच्चे बच्ची अमेरिका में पढ़ना, लंदन में पढ़ना बोले तो इसके पहले कोई मौका ही नहीं था, एक रुपया कोई सरकार देने वाले ही नहीं था। आज इस अपने देश में 28 राज्यों में
हमारे बच्चे बच्ची फॉरेन में पढ़ने के लिए अगर से हुकूमत के तरफ से 20 लाख कहीं दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के हुकूमत में केसीआर साहब ने दे रहा है। ऐसे बहुत सारे रमजान के तोहफा मिल रहा है। अजमेर में दरगाह बनाने के लिए सीएम साहब ने 5 करोड़ रुपया सैंक्शन करे हैं। ये कोई सोचे, सीएम साहब कुछ सोचे, हमारा सेंटिमेंट है अजमेर दरगाह में हमारे हैदराबाद से अपने तेलंगाना से बहुत सारे लोग जाते हैं, आपके सहूलत के लिए आपका रहने का इंतजाम करने के लिए 5 करोड़ रुपया से अजमेर में बहुत अच्छा तेलंगाना का भवन भी बन रहा है वहां पर। ऐसे काम बहुत सीएम साहब ने करे हैं। सीएम साहब ने बतकम्मा के फेस्टिवल में साड़ी देते हैं, रमजान में भी गरीब मुसलमानों के लिए सीएम साहब का तोहफा भी मिल रहा है। आज क्रिसमस में क्रिश्चियन को देते, रमजान में मुसलमान को देते, बतकम्मा दशहरा में हिंदू भाई बहनों को देते हैं। ऐसा सीएम साहब ने हर कोई के लिए सोचते हैं। अपने सीएम साहब के लिए आप सब भी दुआ करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी वाले बहुत बोल रहा है रेवंत रेड्डी, आजकल वो खुद संघ परिवार में काम करा था। ये रेवंत रेड्डी ने पहले इनका जिंदगी शुरू हुआ संघ परिवार से। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से, आप जवाब दो, ये संघ परिवार से इनका जिंदगी शुरू हुआ नहीं हुआ? कोई संघ परिवार वाले से पूछो रेवंत रेड्डी कहां पहले उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ करा, बोले तो वो संघ परिवार से कर चुके हैं। वो आरएसएस में काम करें, संघ परिवार में काम करें, एबीवीपी में काम करा, आज बोलता है बहुत बोलता, उनका कहां से शुरू हुआ ये आप सब जानना चाहिए। केसीआर साहब ने इतना इज्जत देते हैं, आज कोई रियासत में रमजान में हुकूमत के तरफ से दावत इफ्तार देता है तो वो सिर्फ तेलंगाना में देते हैं। सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिले में, हर महले में कलेक्टर आके, पुलिस कमिश्नर आके, आपके एमएलए आके, आपके मिनिस्टर साहब आके आपके साथ बैठ के इतना इज्जत देते हैं, ये अपना इज्जत की बात है। सीएम साहब ने जो माइनॉरिटीज के लिए जितना इज्जत आज तेलंगाना में मिल रहा है कोई रियासत में ऐसा नहीं मिल रहा है। सो भाइयों बहनों, आज हमारे फकीर बहन भाई भी बहुत लोग आए, आपके लिए भी जो मुद्दा है जरूर महमूद साहब हम दोनों जाके सीएम साहब से मिलके आपका जो मुद्दा हल करने के लिए पूरी पूरी हम मदद करेंगे, हम पूरी आपका साथदार भी देंगे। सो फिर एक बार तमाम जो चेयरमैन आज हमारे भाइयों जितने भी चेयरमैन है वो आप सबका मैं फिर एक बार सीएम साहब के तरफ से पूरे पार्टी के तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। जय तेलंगाना।